बच्चों में वोटिंग के प्रति जागरूकता फैलाने को लेकर जिला स्तर पर सेकेंडरी स्कूलों के बच्चों का क्विज कंपटीशन करवाया गया। इलेक्शन तहसीलदार अंजू बल्ला ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देशों पर जिला स्तर पर यह क्विज कंपटीशन करवाया गया है। अंजू बल्ला ने बताया कि इससे पहले स्कूल स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता में चुना गया था, जबकि यहाँ से चुने वाले बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। इस प्रतियोगिता में खास तौर पर 17 से 18 साल तक के बच्चों को शामिल किया गया है, जिसमें अधिकतर लड़कियां शामिल हैं जिनका वोट प्रतिशत कम है। जो ये प्रतियोगिता आज हम करी है, इसमें इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी, जिसमें इन्होंने पहले ईआरओ लेवल पे इंट्रा स्कूल क्विज करवाया था। उसके बाद जो ईआरओ लेवल पे हमारे पास दो दो बच्चे सिलेक्ट करके भेजे हैं, वो उनका डिस्ट्रिक्ट राउंड था जो हमने आज 29 तारीख को इनका रखा था। तो इन बच्चों को हमने इसीलिए 14 से लेकर 17 तक के बच्चे लिए हैं, जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन थी। तो इन बच्चों को हमने इसीलिए लिया है क्योंकि इन्होंने आगे 18 साल के होना है, ताकि इनको पता लगे कि भी हमारी वोट की क्या महत्ता है और वोट के बारे में ये आगे अपने स्कूल में भी बच्चों को अवेयर करेंगे। जो हमने लड़की गर्ल्स ली हैं, उनको इसलिए हमने लिया कि क्योंकि हमारी जो वोटर प्रतिशतता है कि ये ज्यादा बढ़े, क्योंकि वो हमारी कम है। तो इसीलिए ये इनमें से जो बच्चे इनमें से सिलेक्ट होंगे तो इनका स्टेट लेवल के ऊपर इनका नाम जाएगा, फिर आगे स्टेट लेवल के ऊपर इनको भेजा जाएगा। जागती लड़के लिए लुधियाना से सुंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।